हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे पाइथन के एमसीक्यू जिसमें हमारा टॉपिक होगा स्ट्रिंग। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, वह यह है, यहाँ दिया है कि इसमें कोड का आउटपुट बताना है। यहाँ पे एक लाइन का मात्र कोड है और इसी का आउटपुट बताना है। ये दिया है ये और एक दिया है पीसी। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? ए मिलेगा, बीसी मिलेगा, बीसीए मिलेगा या फिर एबीसी मिलेगा? जानते हैं क्योंकि स्ट्रिंग को हम जोड़ सकते हैं पाइथन में। तो इस कंडीशन हमारा जो पहले का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा क्या? ए आएगा, होगा या ए बी सी। फिर हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक और दिया है, इसमें बताना है मात्र एक लाइन कोड है, इसका बताना आपको क्या आने वाला है। ए बी सी डी दिया गया है और मान लीजिए हम इसमें स्लाइसिंग कर रहे हैं, जब दो यहाँ पर लिखेंगे, दो कारण लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा ये बताना है। दो का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि हमारा दो से स्टार्टिंग होगा, मतलब कि 0 1 और दो से स्टार्टिंग हो और कहाँ तक, मतलब मैक्सिमम जहाँ तक होना स्ट्रिंग होगा वहां तक प्रिंट होगा, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ आप देखेंगे कहाँ से दो हमारा स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, हमारा 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सी और डी हमको क्या होगा यहाँ पे प्रिंट होगा, इसलिए हमारा दूसरे का सी ऑप्शन आएगा। फिर हमारे यहाँ पर थर्ड नंबर यहाँ आप देख रहे हैं वो क्या है, द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूटिंग स्ट्रिंग ASCII लेटर कैन ऑल्सो बी अचीव बाई, किसके द्वारा अचीव किया जाता है, तीसरे का ये बताना है। तो हमारा यह किया जाता है बी के द्वारा, स्ट्रिंग डॉट ASCII लोअर केस, क्योंकि आपको इस तरह से करना है, आउटपुट करना है तो इस तरह से आपको ये वाला करना पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ फोर्थ नंबर दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कोड दिया है, पहले तो दो चार स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग बनाया गया, एक हेलो बनाया गया है, एक कामा करके बनाया गया है और एक STR3 वर्ड करके बनाया गया है। -1 यहाँ लिखा गया, -1 से लेकर यहाँ तक, अब इनफाइनाइट जहाँ तक जाना यानी कि 0 तक ये चलेगा लूप, इसका मतलब ये हुआ, और ये इटरेशन करना है इसको -1 से। -1 में हमारे देख रहे हैं जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा क्या है, यहाँ पे चूंकि बात हो रही है सिर्फ STR1 की, तो यहाँ पर सबसे लास्ट एलिमेंट हमारा 0 है, तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रिंट होगा एलिमेंट वो हमारा होगा डी, सिर्फ 0 ही प्रिंट होगा -1 से, बाकी कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि बताया नहीं गया कि कहाँ तक जाना है हमको, ठीक है। -1 लास्ट एलिमेंट हमारा है, उसी को ही प्रिंट कर देगा, अगर 2 लिखे होते तो 2 से आगे पूरा प्रिंट होता, अगर -1 लिखे इसका मतलब हुआ यही कि सिर्फ वही एलिमेंट वही वाला क्या होगा प्रिंट होगा। अगर -2 होता है तो उसके पहले एक और होता, उसके बाद से वहां तक क्या होता प्रिंट हो जाए, लास्ट इंडेक्स है या नहीं। अब बताना यहाँ पे क्या होने वाला आउटपुट, यहाँ पे बताना है कि इससे व्हाट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में मतलब ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, प्लस स्टार मल्टीप्लाई और माइनस, तीन में से क्या यूज कोई कर सकते हैं? देखिए हम इस कंडीशन में हम घटा नहीं सकते स्ट्रिंग, सिर्फ जोड़ और गुणा कर सकते हैं, यानी कि इस आधार पर देखा जाए तो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पांचवे का, क्योंकि आपको अभी भी इसमें माइनस का यूज नहीं कर सकते हैं। अब बता रहा है यहाँ पे कि इस कोड का आउटपुट क्या आने वाला है, मात्र एक लाइन कोड है, प्रिंट किया गया है और आर और एन हेलो। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एन हेलो, इसमें कोई भी नया नया लाइन क्रिएट नहीं होगा, ये रिकरा होता है, डाटा होता है, तो इसमें हमारा सिर्फ जो भी ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा यहाँ पे, छठवें का बी स्लैश एन हेलो। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे सातवें नंबर, सातवें नंबर बताना है आउटपुट क्या आने वाला कोड का, तो इसमें दिया है प्रिंट और एक दिया है न्यू लाइन, तो न्यू अलग है और लाइन अलग है, अगर दोनों को एक का कंबाइन करके प्रिंट करेगा जो भी हमारा प्रिंट करेगा पाइथन में, तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि बीच में इसी में स्पेस आ जाएगा, स्पेस अगर यहाँ पर किए होते ना इसके अंदर कुछ होता, मगर इस तरह से कुछ है इसको लेना देना नहीं है, या उतना ही नंबर आएगा, यानी आधार देखा जाए तो सातवें है, सातवें का हमारा सी आंसर आएगा न्यू लाइन। अब देख रहे हैं हमारे आठवां है, आठवां में क्या है, इसमें भी वही काम करना है, अब आपको बताना है क्या होने वाला है। तो X97 और 98, X98 है, तो देखिए हमारा जो पहले वाला है ना ये वाला क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, तो देखते हैं कहाँ है ये, तो आठवें का जो हमारा सी है ना ये वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर नौवां हमारे यहाँ बताया गया है कि इसमें बताना है आपको क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहले स्ट्रिंग बनाया गया है हेलो वर्ड नाम से, और यहाँ पर देखिए पहले शुरुआत नहीं किया गया है, यहाँ से करना है स्ट्रिंग को मतलब कि, और यहाँ दिया -1 यानी उल्टा प्रिंट करना है आपको यहाँ पे, और -1 से लेकर कहाँ तक प्रिंट करना है 0 तक, ठीक इधर लास्ट तक, तो हमारे यहाँ पे देखते हैं क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा डी प्रिंट होगा, DLRW LLEH, तो हमारा यहाँ देख रहे हैं उल्टा जब प्रिंट होगा तो 9 का हमारा ए जो है फिक्स हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे देखते हैं दसवां नंबर, दसवां नंबर बताना है क्या होने वाला है, तो देखिए हम जो ए देख रहे हैं ये टूटी हमारा बाइनरी में है 0x, तो इसमें हम 10 20 10 11 12 मान लें, 10 11 12 0
इस कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 37। ठीक है, ये रहा हमारा पाइथन के एमसीक्यू जिसमें हमारा टॉपिक था और यहाँ पे स्ट्रिंग।